हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू सक्सेस टी, ओके एम आई ऑडिबल बिफोर वी स्टार्ट टू सेशन प्लीज कंफर्म एम आई ऑडिबल आवाज़ आ रही है सभी को एक बार कंफर्म कर दें नमस्ते आर के अग्रवाल नमस्ते जी नमस्ते चलिए तो ओके okay, फाइन तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज हमारे पास क्या है एक मई और आज का दिन क्या है मंडे और आज के दिन की बात करें आज लेबर डे भी होता है है ना ओके चलिए और उम्मीद करता हूँ आप सभी का जो मतलब वीकेंड रहा होगा अच्छा रहा होगा ठीक है अच्छे से मेरा मतलब है आपने रेस्ट भी की होगी और पूरा जो वीक का जो का आपने पढ़ा है वो सारा रिवाइज भी किया होगा वीकली okay, आपकी डिवीजन बहुत ज्यादा ही क्रिशियल होती है बहुत ज्यादा ही मायने रखती है तो वो चीज किया करें और करते रहें ठीक है चले फिर इंडो यूके और ओके okay, इंडिया और यूके के बीच में एक एक्सरसाइज रिसेंटली हुई थी जो कल ही सॉरी नॉट कल बट आज खत्म हुई है उस एक्सरसाइज की नाम की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा अजया एक्सरसाइज क्या नाम है एक्सरसाइज का अजे एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज किसके द्वारा होस्ट की गई थी तो हमारे पास क्या आ जाएगा यूके के द्वारा होस्ट की गई थी कब शुरू हुई थी ये 27 अप्रैल को शुरू हुई थी और आज के दिन मतलब ये खत्म होगी एक मई तक इस टाइम पीरियड पर ये एक्सरसाइज है वो जो चली थी इस एक्सरसाइज बिल्कुल सही रिजवान ये एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे पास कौन सा एडिशन आ जाएगा सेवंथ एडिशन है जो इस बार हुआ है इस एक्सरसाइज का वो है सेवंथ एडिशन इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है बात यह है कि इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से जो वेपन यूज किए गए हैं वो सारे के सारे इंडिजीनियस वेपन है मतलब मतलब इंडिया के द्वारा जो खुद बनाए गए वेपन है वही वेपन इस एक्सरसाइज में यूज किए गए हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशल पॉइंट इन दिस न्यूज़ ओके फर्दर अगर देखा जाए तो इस एक्सरसाइज में जो मतलब मिल्ट्री uh, के द्वारा सॉरी आर्मी के द्वारा एक्सरसाइज की गई है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फील्ड ट्रेनिंग हुई है जिसमें सी भी बोल देते हैं और एफ भी बोल सकते हैं ये दो तो अलग अलग एक्सरसाइज इसको बोल देते हैं तो उसमें हमारे पास कमांड पोस्ट एक्सरसाइज आ जाता है और दूसरा फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज आ जाता है जो जनरली फील्ड की एक्सरसाइज होती है लास्ट टाइम बात करें जब ये एक्सरसाइज हुई थी तो कब हुई थी 2021 में ये एक्सरसाइज हुई थी और वो कहां हुई थी उत्तराखंड में हुई थी 2021 में ये एक्सरसाइज तो और अब कहाँ हुई है 2023 में हुई है यूके में मतलब दो साल में ये एक्सरसाइज एक बार होती है तो इसको क्या बोलेंगे बाईनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज क्या है ये बाईनियल है मतलब दो साल में एक बार होती है जी. इंडिया कंडक्टिंग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजे वॉरियर तो किसके साथ कर रहा है यूके के साथ कर रहा है ओके चलिए नेक्स्ट माइग्रेंट्स रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का क्या नाम है माइग्रेंट्स रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज़ तो इस रिपोर्ट में क्या बात की हुई है इस रिपोर्ट में यह बात की हुई है कि जिस तरीके से जो मतलब बहुत तेजी से एक जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह से जो माइग्रेंट्स हैं या जो नॉर्मल लोग हैं वो अपना देश छोड़कर किसी और देश में जा रहे हैं जिसकी वजह से वो क्या आ जाते हैं माइग्रेंट्स आ जाते हैं और उसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसा वो क्यों करते हैं ओके okay. रीजन ये है कि उनकी जो कंट्री होती है उसको मिड इनकम कंट्री बोला जाता है या लो इनकम कंट्री बोला जाता है जिसकी वजह से वो कोई हाई इनकम कंट्री में जाके काम करते हैं और वहां पर वो मतलब पैसा कमाते हैं ठीक है तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है अब इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं अगर हम टोटल देखा जाए 184 मिलियन पीपल में से जो 2.3 परसेंट है कितने 2.3 परसेंट अगेन इस पर फोकस करना है हमने 2.3 परसेंट तो 184 पीपल में से 2.3 परसेंट जो लोग हैं वो सारे के सारे क्या है माइग्रेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है माइग्रेंट है और इनमें से जो थर्टी मिलियन है वो रिफ्यूजी हैं वो कौन है रिफ्यूजीज है फर्दर अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जो इंडिया के लोग बाहर गए हैं ठीक है तो उनके जो मतलब जो स्किल्ड है दोस्त हुआ स्किल्ड इंडियंस दे गेट वेरी गुड इनकम एंड अबाउट देयर प्रीवियस कह लो पांच हंड्रेड परसेंट सॉरी फाइव हंड्रेड परसेंट उनको बेटर सैलरी मिली है इन यूएसए एंड इन यूएई इट्स थ्री हंड्रेड परसेंट तो जिसकी वजह से वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि वहां पर इनकम के साधन ज्यादा हैं ठीक है अगर देखा जाए टॉप थ्री ग्रुप वो कौन कौन से तीन ग्रुप है तो इंडिया मैक्सिमम कहा जाता है यूएसए में जाते हैं बांग्लादेश में जाते हैं बांग्लादेश इंडिया में आते हैं और यू ए कहां पर जाता है जी या गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कंट्रीज आ जाता है तो वहां पर भी मैक्सिम टू तो मैक्सिमम जाते हैं अब जब ये इंडियंस ठीक है जो बाहर जा रहे हैं तो बाहर रहते हुए वो अपने घर पे पैसे बजेंगे तो उस चीज को क्या बोलते हैं रिमिटेंस जब कोई पैसा घर पर भेजा जाता है इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट और इन एनी अदर फॉर्म ठीक है तो उसको क्या बोलता है रिमिटेंस तो इसकी एक लास्ट ईयर रिपोर्ट भी आई थी जिसने क्या बोला था इंडिया इज द टॉप मोस्ट कंट्री टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिमिटेंस जो कितनी आई थी यूएसडी एन वन ट्वेंटी सेवन मिलियन डॉलर इतनी रिमिटेंस इंडिया की आई थी जो टॉप में थी इंडिया उसके बाद मैक्सिको चाइना एंड फिलिपाइंस ये कंट्री थी इनके बाद तो कुछ माइग्रेंट्स की टाइप दी हुई है करंट अफेयर के अकॉर्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इतना जरूरी नहीं है मतलब चार अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है वो माइग्रेंट जो स्किल्ड हैं उनको बेटर जॉब मिलती है वो माइग्रेंट जो मतलब एंटरप्रीनोरशिप uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको कौन कौन सी जगह पर मिलती है जो डिस्ट्रेस माइग्रेट मतलब ज़्यादा कुछ नहीं आता जो रिफ्यूजीज है मतलब ये चार टाइप्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जो रिसेंट रिलीज की, की, तो की गई है किसके द्वारा की गई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है आईआईटी कानपुर लॉन्चिस साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोग्राम सो दिस प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय आईआईटी कानपुर इन दिस प्रोग्राम आईटी कानपुर इज कंडक्टिंग अ प्रॉपर सेशन मतलब पूरे का पूरा एक प्रोग्राम करवाया जा रहा है टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है दे कैन गेट ऑनलाइन ऑनलाइन भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो और इसमें कर सकते हो और इस प्रोग्राम में क्या चीज बताई जाएगी कि इस प्रोग्राम के आपको साइबर सिक्योरिटी स्किल के बारे में सारी चीजें सिखाई जाएंगी जिसकी वजह से आपके मतलब जो स्टूडेंट्स हैं आपके से मतलब स्टूडेंट्स को है ठीक है उनको मतलब आ, साइबर सिक्योरिटी की स्किल अटेन हो जाएगी और उनके रेज्यूमे में मतलब ऐड हो जाएगा जिसकी वजह से उनको जॉब भी मिल सकती है नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर ओवर हेयर इज दैट हंड्रेड स्टूडेंट ऑफ फ्रॉम दिस प्रोग्राम विल गेट अ इंटर्नशिप इन पर्टिकुलर कंपनी किसी कंट्री में उनको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी हंड्रेड स्टूडेंट जो इनमें से सिलेक्ट होंगे अब ये सारा का सारा प्रोग्राम किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है कौन से मिशन के अंदर आ रहा है वो भी हमारे इंपोर्टेंट है तो आप हमारे पास क्या आएगा सॉरी एन एम आईसीपीएस नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर पर्सनल हमारे पास सिक्योरिटी तो ये हमारे पास क्या है जो मिशन है ये मिशन सारा का सारा किसके अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है ये सारा का सारा मिशन अब जहां पर ये सारा कुछ करवाया जाएगा ये प्रोग्राम करवाया जाएगा आईआईटी कानपुर में उसको क्या बोलते हैं सी थ्री आई हब बोलते हैं क्या बोलते हैं सी थ्री आई हब जहां पर ये सारा का सारा करवाया जाएगा प्रोग्राम साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को करवाई जाएंगी अगेन सी थ्री आई हब जो किसके अंदर आता है आई एन सॉरी एन एम आई सी पी एस के अंदर सारा का सारा आता है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो उसमें साइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी हां जी तो साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोग्राम किसने शुरू किया है आई कानपुर ने शुरू किया गया है एशियंट गुजरात टेक्सटाइल आर्ट क्या नाम है उसका माता नी पछेड़ी गैट्स जियेटे अब इस आर्ट फॉर्म की बात करें ये आर्ट फॉर्म जो क्या की है गुजरात की आर्ट फॉर्म है ठीक है गुजरात में अहमदाबाद यहां पर लोकेशन नहीं है लिखने के लिए। गुजरात की बात करें गुजरात में अहमदाबाद में कुछ ऐसी मतलब फैमिलीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस आर्ट के ऊपर ही काम कर रही है आर्ट की बात करें 300 टू 400 ईयर ओल्ड ये आर्ट है जो अभी तक चल रही है चल रही है इस आर की अगर बात करें तो इसमें क्या किया जा रहा है मातानी मातानी पछेड़ी पछेड़ी का मतलब क्या है कि मतलब जो मदर है है उसके बारे में बात की गई जितने भी माता को हम मानते हैं ठीक है जैसे काली माता होगी ठीक है दुर्गा माता होगी वो सारी की सारी माता के बारे में बात की है, जो गोडेस के रूप में है जिसकी वजह से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया मातानी पछेड़ी इसका मतलब क्या होता मतलब है बिहाइंड मदर गोडेस बिहाइंड दी मदर गोडसे अब इस आर्ट फॉर्म में क्या होता है कि मदर गुडनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या किया एक मतलब स्टोरी बताई जाती है एक स्टोरी बताई जाती है अब ये आर्ट पीछे रिसेंटली भी मतलब न्यूज में आई थी जब पीएम मोदी जी के द्वारा ये आर्ट फॉर्म गिफ्ट किया गया था किसको जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के यूके के ऋषि सोनिक को तब ये बहुत मतलब चर्चा में आई थी और अगर इस आर्ट के अकॉर्डिंग बात किया जाए जो ये आर्ट है इसको इसको बनाने वाले को पद्मश्री भी मिला हुआ है मैं किस पर्सन की बात करूं भानु भाई चैत्रा की बात कर रहा हूं इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है इस आर्ट के लिए ठीक है हाँ, गुजरात की बात करें गुजरात में अभी तक कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है तो सतारा प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग मिल चुका है तो ये आपको बता दिया माता नी पछेड़ी है गो और कहां से मिला गुजरात से उनको जीआई टैग मिला है 68 फिल्म फेयर सॉरी 68 एट फिल्म फेयर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हेल्ड इन मुंबई मुंबई में हुए मुंबई में जो एक जियो कन्वेंशनल सेंटर है वहां पर ये सारा का सारा कंडक्ट हुआ है तो इसमें जो अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसके बारे में बात किया वो हम सारे के सारे देख लेंगे कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है लेकिन अगर हम फिल्म फेयर की स्टार्टिंग की बात करें कब स्टार्ट हुआ था 1954 में फिल्म फेयर ये स्टार्ट हुए थे जब ये फिल्म फेयर की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी जो सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी वो भी मुंबई में ही हुई थी तो सबसे पहली कौन सी ऐसी मूवी थी जिसको अवार्ड मिला था तो हमारे पास क्या आ जाएगी दो बीघा जमीन कौन सी थी दो बीघा जमीन थी जिसको सबसे पहले मतलब ये अवार्ड मिला था फिल्म फेयर का

चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है थ्री न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर इन राजस्थान राजस्थान में तीन नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो रिजर्व है उनको डिक्लेयर किया गया है अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या अब ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता क्या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें कुछ ऐसे स्पीशीज जो हमें पता है कि मतलब एक्सटेंट होने वाली हैं या इस तदाद तदाद पर पहुंच चुकी हैं कि आने वाले टाइम पर अगर हमने उन पर काम नहीं किया तो वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी तो जिसके लिए ये कंजर्वेशन मतलब बनाए जाते हैं रिजर्व बनाए जाते हैं अब जो राजस्थान में ये तीन बने हैं वो कहां कहां पर है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गए तो सबसे पहले की बात करें जो हमारे पास क्या आ जाएगा सरसन आ जाएगा Sorry, मैं प्रनाउंसियन में थोड़ी मिस्टेक कराऊंगा तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, तो मैं लिख लेता हूं तो हमारे पास क्या है? सोरसन और सरसन, सोरसन. जो सबसे पहला है वो कहां पर है सोरसन है दूसरे की बात करें तो वो हमारे पास क्या है खिचान के आई सी एच एन खिचान तीसरे की बात करें तो वो हमारे पास क्या है हमीरगढ़ क्या है हमीरगढ़ तो ये तीन है जो अभी डिक्लेयर किए गए हैं ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर राजस्थान में लेकिन इसको अगर छोड़ दें राजस्थान में नेशनल पार्क भी ऑलरेडी हैं तो राजस्थान में तीन नेशनल पार्क हैं कितने नेशनल पार्क है तीन नेशनल पार्क है अगर राजस्थान में टोटल अगर हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें राजस्थान में टोटल कितने हैं अभी तक 26 हैं कितने हैं 26 हैं तो एक चीज और कवर कर लेते हैं जो रिसेंटली मतलब ऐड की गई थी टोटल डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में कितनी होगी 50 होगी अगर हम टोटल उसकी बात करें आ, क्या कहते हैं उसको नॉट एरिया नोटिस सेक्शन जो 7 से 10 बढ़ा दिए गए थे ठीक है मतलब एरिया में कुछ डिवाइड किया कुछ पोर्शन में डिवाइड किया गया था मैं नाम ही भूल गया तो वो कितने हैं 10 हैं ठीक है अह हां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ जाता है अब यहां पर कहां पर ये वाला पॉइंट अब अगर किसी भी एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व के लिए रख लिया तो उसके बाद वहां की जो डेवलपमेंट होगी वो सारी की सारी किस पर डिपेंड डिपेंड करती है नेशनल बोर्ड ऑफ कंजर्वेशन प्लस जो वहां स्टेट का कंजर्वेशन है तो ये सारी की सारी उन दोनों पर डिपेंड करेगी एक नेशनल की एक स्टेट की जब भी वो कोई भी डिक्लेयर कर दिया गया उसके बाद जो भी डेवलपमेंट होगी तो इन दोनों पर होगी जो ये डेवलपमेंट होगी वो कौन से एक्ट के तहत होगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन इसके तहत तो जो भी वहां पर कंजर्वेशन की जाएगी तो ये भी आपको बता दिया हा तो इसको मतलब जो भी कंजर्वेशन है उसको बफर जोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है वट इज बफर जोन बफर जोन इज एरिया वेयर ह्यूमन इंटरफेयर ठीक है जहां पर ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होगी ठीक है उस एरिया को बफर जोन बोला जाता है मतलब वो वाला एरिया जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है ठीक है प्रोटेक्टेड क्यों है अगेन फॉर कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज जिसके लिए हम ये सारा कुछ सारा कर रहे हैं सोर्सन की बात करें तो सोर्सल में ऐसे कौन सी चीज है जिसको कंजर्व कर दिया जो बहुत हमारे लिए इंपोर्टेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सॉरी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हमारे पास स्पीसीज है जिसको कंजर्व करने की बात की गई है क्योंकि इस species की बात करें लास्ट टाइम जब इसका हुआ था तो सिर्फ 200 थी कितनी थी सिर्फ 200 थी जिसकी वजह से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में पहुंच गई है और इसको कंजर्व करना बचा के रखना है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया का है जिसलिए इंपोर्टेंट सोर्स में ही एक और चीज है जिसको कंजर्व करने की बात की है, जो भी बहुत कम है तो वो हमारे आ जाएगा ब्लैक बक तो ब्लैक बक के बारे में आप सभी को पता होगा जिसके जो केस भी चला है सर्मान पर, सर्मान खान पर, है सलमान सलमान पर पर खान ठीक कंजर्व किया जाएगा की बात करें जो काफी मतलब ऐसा कह लो कि इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड हो जाता तो माइग्रेट बर्ड्स जो वहां पर आते हैं और उसकी कंजर्वेशन के लिए जो माइग्रेटिव है तो उसके लिए इस पॉइंट को इस कंजर्वेशन रिजर्व पर फोकस किया गया है तो कि माइग्रेटिव बर्ड्स के लिए एक प्रॉपर होम बन जाए वो जितने भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो बर्ड्स आते हैं तो जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा क्रेन जो ऐसा माइग्रेटिव बर्ड है जो इस जगह पर मैक्सिमम देखा जाता है फॉलोइ आदि रिसेंटली अनाउंस न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व इन राजस्थान सोरसन था बिल्कुल भी था हमीरगढ़ भी था तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऑल ऑफ दब ये सारे के सारे हैं काला हिरन बिल्कुल जी बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट महिला समान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम हाँ जी इस स्कीम की बात करें स्कीम के बारे में हम पूरी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप सभी को याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं चलो कोई बात नहीं जितनी रिविजन होती होती है मतलब मैक्सिमम ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं ये स्कीम की बात की बात करें जो इस बार हमारा बजट आया था फेबररी में मार्च में मार्च की स्टार्टिंग में ठीक है उसमें इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इस स्कीम की बात करें मतलब 2023 में ये लॉन्च हुई कब तक चलेगी 2025 के तक चलेगी और इसका टाइम पीरियड कितना है दो साल का इसका टाइम पीरियड है ये सारी की सारी स्कीम किसके लिए गर्ल्स और वुमेन्स के लिए ही हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्कीम्स इस स्कीम्स में बेस्ट क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो कितना है सात पॉइंट पांच परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा और इसमें आप मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हो मिनिमम आप दो लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हो अगर कोई ऐसी गर्ल जो मतलब आ, उतनी वेल well साउंड नहीं है या फिजिकली डिसेबल है तो वो अकाउंट ओपन कर सकती है किसी पेरेंट या गार्डियन की हेल्प से ठीक है मतलब गर्ल के नाम का ही अकाउंट होगा लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए मैनेज कौन करेंगे जो भी उनके पेरेंट्स होंगे जो भी उनके गार्डियंस होंगे वो सारे के सारे इनको मैनेज करेंगे अब रिसेंटली ये न्यूज में क्यों आया उसके पीछे रीजन क्या है उसके पीछे ये है जो ईरानी उनकी तरफ से भी यहाँ पर अकाउंट ओपन किया गया है जो मतलब एनकरेज करने के लिए वुमेन्स को कि हाँ जी आप भी ओपन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर सात पॉइंट पांच परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है विच इज मच मोर देन मैक्सिमम बैंक्स इन इंडिया इवन एफ डी और आरडी एफ डी और आर डी से भी ज्यादा यहां पर इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड मिलता है और अगर इन केस इनकेस एमरजेंसी को मतलब विड्रॉल करने करने हो हो पैसे पैसे या टाइम से 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 पहले या से पहले विड्रॉ तो वो भी स्कीम्स आपके लिए अवेलेबल है वो भी आप विड्रॉ कर सकते हो तो ये आपको ब्रीफली एक बार सारा कुछ बता दिया ठीक है इसके बारे में तो इसमें भी उतनी ही चीजें लिखी हुई हैं ठीक है सारा कुछ ब्रीफली ही है आ, हा हाँ, ये चीज आएगी अगर किसी ने जो जो, जो मिनिमम डिपोजिट लिमिट थी कितनी दो लाख की वो आपने सबमिट कर ली स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में भी बहुत ही जल्दी कर ली तो यस यू कैन ओपन अनदर अकाउंट आफ्टर द थ्री मंथ्स ऑफ फर्स्ट अकाउंट जब आपने सबसे पहला अकाउंट मान लो एक मई को आज आपने अकाउंट ओपन किया है तो मई जून जुलाई जब तीन महीने खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप अगला अकाउंट भी ओपन कर सकते हो अपने नाम पर ही यस यू कैन हैव मल्टीपल अकाउंट इन दिस स्कीम चलिए परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट दी सेंट्रल गवर्नमेंट तो कितनी की गई है सेवन पॉइंट फाइव परसेंट की फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट अन्नापूर्णा जो माउंट अन्नापूर्णा है कहां पर नेपाल के उसको सक्सेसफुली स्केल्ड कल्या कहने का मतलब पहाड़ी चढ़ गई जी आ, पिंकी कुमारी जी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको पी मिल जाएगी अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी अवेलेबल है और जो पीडीएफ डी आऊगी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी हाँ जी तो एक पॉइंट आपको यहां पर ही दिया हुआ स्टेटमेंट के कि जो अर्जुन वाजपेयी है वो क्या है फिट इंडिया के चैंपियन है क्या है फिट इंडिया के चैंपियन है तो अन्नापूर्ण की बात करें तो अन्नापूर्ण कहां पर है, तो है? नेपाल में है तो इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है इसकी हाइट कितनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा एट जीरो नाइन वन मीटर फ्रॉम सी लेवल या अब सी लेवल जो इसकी हाइट है मतलब आठ हजार मीटर से ऊपर तो 8000 मीटर से ऊपर की अगर बात करें इंडिया में और भी ऐसी माउंटेन्स हैं कितनी अराउंड 14 माउंटेन्स ठीक है जो इनका नेक्स्ट टारगेट यही है और अन्नापूर्णा की बात करें इन फोर्टी में कौन से नंबर पर आती है टेंथ नंबर पर आती है टेंथ नंबर पर आती है अन्नापूर्णा तो इनका नेक्स्ट टारगेट क्या है कि जो 14 की 14 है सबको कंप्लीट करना है मतलब ये सारा का सारा टारगेट इन्होंने अचीव करना है सबकी इन्होंने मतलब चढ़ना है स्केल करनी है अब इनके द्वारा अर्जुन वाजक के द्वारा ही हैज अटेम्प्टेड ऑन दिस ऑन अन्नापूर्णा माउंट अन्नापूर्णा बिफोर दिस ही हैज अटेम्प्टेड थ्री टाइम बिफोर तीन बार इससे पहले भी इन्होंने अटेम्प्ट दिया है उसके बाद अब जाकर ये, ये इस पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं दिस इज द इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑल ऑफ यू ठीक है ऑल द स्टूडेंट हु हैज गिवन द अटेम्प्ट ऑफ और फॉर यूपीएससी सी एस सी ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही हर चीज निकलेगी जो निकल जाए वो वेल एंड गुड है बट प्रैक्टिस पेशेंस डेडिकेशन ये सारी चीजें चाहिए आपको कि आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा इवन ही अटेम्प्टेड थ्री टाइम्स बिफोर रीचिंग टू हिज डेस्टिनेशन ओके तैयारी करते रहो तैयारी नहीं चढ़ तो हाँ इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है गिनिस वर्ल्ड बुक में इनका नाम भी ऐड है जिसकी जो वो ऐड किस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका नाम है कि ये क्या है कि यंगेस्ट पर्सन बन चुके हैं ही इज द यंगेस्ट इंडियन टू होल्ड ए रिकॉर्ड ऑफ गिनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड ठीक है जो यंगेस्ट पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने एट थाउजेंड मीटर दो बार कंप्लीट किया है फर्स्ट माउंट एवरेस्ट इन 2010, सेकंड टेन लोस्टे पीक इन 2011. है तो ये यंगेस्ट पर्सन में से बन चुके हैं विच माउंट हैज बीन सक्सेसफुल स्केल्ड बाय फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी रिसेंटली दैट इट इज माउंट अन्ना पूर्णा कहां पर है नेपाल में है स्मोक एंड एशिस ओके एम एस परिमाला हां जी ये भी लिया जाएगा जल्दी ही किया जाएगा ठीक है मैक्सिमम फोकस अब हमारा ये है कि पहले थोड़ा पोर्शन भी कवर कर लें ठीक है उसके बाद ऐसी करंट की क्लासेस दी जाएंगी जिसको आपके सिक्स मंथ का कवर किया जाएगा या नाइन मंथ का तो वो फोकस किया जाएगा कि मैक्सिमम कितना ज़्यादा मतलब जो न्यूज़ में बहुत है ठीक है उस पर फोकस किया जाएगा नेक्स्ट देखिए हमारे पास अमिताभ घोष जी के द्वारा एक बुक लिखी गई है बुक का क्या नाम है स्मोक एंड ऐशिस स्मोक एंड का पूरे नाम की बात करें ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओ हिडन हिस्ट्री ओपियम की जो हिडन हिस्ट्री है उसके बारे में कि वो ड्रग्स में यूज हो रहे हैं मेडिसिन में यूज हो रहे हैं कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं वो सारी की सारी हिस्ट्री की बात की है इस बुक में दिस विल बी रिलीज इन जुलाई ठीक है मतलब पर न्यूज में अभी है ठीक है जुलाई में रिलीज किया गया तो ये सारी की सारी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेगा सो so, अमिताभ घोष की बात करें दी प्रीवियस वर्क ऑफ इस द ग्लास पैलेस दंग टाइड गन आईलैंड द ग्रेट डी अरेंजमेंट सो दीज आर प्रीवियस वर्क ऑफ अमिताभ घोष तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ओके okay, नेक्स्ट IIT Guwahati research have developed liquid marble using nano clay that can be pre-programmed for drug delivery and cascade chemical reaction. अब देखो एक स्पेशल ड्रग बनाया गया किसकी तरफ से आई आई टी गुवाहाटी की तरफ से अब ये क्या है एक ये है कहां पर लिखा है ये नैनोक्ले है ये जो बनाया गया किसकी हेल्प से बनाया गया है लिक्विड मार्बल की हेल्प से बनाया गया जिसमें नैनो क्ले यूज हो रही है ना वाई दिस इज यूजिंग फॉर प्री प्रोग्राम तो वट इज मीनिंग ऑफ प्री प्रोग्राम मतलब के अगर आपने किसी ड्रग को यूज करें ड्रग का मतलब मैक्सिमम मेडिसिन होता है ठीक है ड्रग का मतलब मैक्सिमम मेडिसिन होता है अगर आप किसी ड्रग को यूज कर रहे हैं किसके लिए मतलब कुछ बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए वायरस को टारगेट करने के लिए कोई डिजीज को टारगेट करने के लिए तो उसको आप प्री प्रोग्राम कर सकते हो किसको इस ड्रग को प्री प्रोग्राम दिस ड्रग विल बी ओनली अटैक दिस थिंग दिस वायरस दिस बैक्टीरिया तो इन पर ही अटैक करे वो ठीक है जिसकी वजह से इस ड्रग को प्री प्रोग्राम बोला गया है इवन दिस प्रोग्राम और सॉरी दिस ड्रग विल हेल्प ऑन डिजीज लाइक कैंसर एंड डायबिटीज ऐसे डिजीज पर भी हेल्प करेगा यह जो मतलब एक छोटा सा आपको बॉल से दिख रही दिख रही थी ना इसकी आउटर पर एक कोटिंग भी की गई है किसके हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स के द्वारा इस पर कोटिंग भी की गई है एंड दिस इज नो स्टिकी नॉन बैटिंग लिक्विड पानी में घुलता नहीं है चिपकता नहीं है मतलब ईजिली है प्री प्रोग्राम है जहां पर इसने अटैक करना है वहीं पर ये अटैक करेगा जिसकी वजह से इसको मतलब ये पॉइंट दिया गया कौन सा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी ये एक पॉइंट इसको दिया गया है इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज अंजी खाद विल बी रेडी इन मई मतलब इस महीने पूरे का पूरा ये ब्रिज है जो तैयार हो जाएगा नाउस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस न्यूज इज कि ये ब्रिज कहां पर बना है कौन से राज्य में बना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर दिस इज फर्स्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन द नेक्स्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कौन से रिवर पर है ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा चेनाब जो चिनाब रिवर है उस पर है तो एक क्वेश्चन आपको मैं एडवांस में दे रहा हूं ये आप ध्यान से रखना चिनाब रिवर का एंशियंट नेम क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आपने सर्च करना है अपने लिए सर्च करना है ठीक है चनाब रिवर का ओके ने okay. इस ब्रिज की लेंथ के बारे में भी आपसे पूछ सकता है जो कितने सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव मीटर इसकी जो लेंथ है इतना ये लंबा है ये ब्रिज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस ब्रिज कैन हेल्प जम्मू एंड कश्मीर को ऑल वेदर कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करेगा मतलब पूरे का पूरा चलेगा टनल टू एंड टनल थ्री विल बी यूज तो मतलब uh, मतलब ये सारी चीजें यूज की जाएंगी ताकि मतलब पूरी की पूरी कनेक्टिविटी मिल रही है कहाँ को जम्मू एंड कश्मीर को और अगर बात करें कहां से कहां तो हमारे पास क्या आ जाएगा कतरा से रेसाई सॉरी राशि ठीक है जो हमारे पास क्या आएगा कतरा बैनिहाल सेक्शन है जो सारा का ज़्यादा जिसमें टर्नल टू और टर्नल थ्री यूज की जाएंगी नेक्स्ट मोधिरा एक विलेज था जो पहले बड़ा न्यूज में था वो न्यूज में क्यों था जब पहले आया था तो इसलिए था क्योंकि जो मधिरा विलेज था ना सॉरी मोधिरा वो सबसे पहला ऐसा विलेज था जो क्या था सोलर पावर्ड विलेज था फर्स्ट सोलर पावर विलेज ऑफ फर्स्ट uh, ऑलअपर uh, विलेज इन राजस्थान और इन इंडिया तो कहां पर आओ मोदीरा सॉरी नॉट राजस्थान इन गुजरात सॉरी तो अब दोबारा ये न्यूज में क्यों आए

सोलर पावर्ड ऑल डे एवरी डे सारा दिन और हर दिन सिर्फ और सिर्फ सोलर पावर ही यूज हो रही है इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी ओके हम सोलर विलेज के बारे में पढ़ लिया अब सोलर सिटी के बारे में पढ़ते हैं और सिटी आपको यहां से देख के आइडिया हो जाना चाहिए अब आप यूपीएससी के कैंडिडेट हो एपीएससी के तो यहां से देखिए आपको कैंडिडेट बिल्कुल सही रिजवान बिल्कुल सही तो सिटी की बात करें सिटी कहां पर है एमपी की सिटी है कौन सी सिटी है ये सांची किसकी बात कर रहा हूं सांची की जो क्या है सबसे पहली सोलर सिटी बोला गया है जिसको अब सोलर सिटी की बात करें सांची सांची की इम्पोर्टेंस अगर हम देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट से भी बहुत है और अगर हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तब भी बहुत है अब ये सांची जो मध्य प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है तो मेरे पास क्या आ जाएगा रेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सी रेशन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी अब इसकी इंपॉर्टेंट अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड किया गया था कब 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड किया गया था 1989 में सांची को अब सांची में और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सांची के जो सांची स्तूपा है ठीक है सांची स्तूपा ये किसके द्वारा बनाए गए थे अशोका के द्वारा बनाए गए थे कौन सी थर्ड और फोर्थ सेंचुरी में ये सारा का सारा का बनाया गया था और पर, पर सेंचुरी uh, तो सारा का, सारा सांची में जिसकी वजह से हाँ कौन सा रिवर निकल के जा रहा है तो बेतपा रिवर भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर तो ये सारा का सारा आ जाएगा राजस्थान लॉन्चिज दी महंगाई राहत कैंप ओके okay. तो राजस्थान के सीएम के द्वारा बारे, बारे में बात करें अशोक गहलोत उनके द्वारा एक कैंप शुरू किया गया ये कैंप दो तीन महीने तक चलेगा तो लास्ट डे इस कैंप की क्या है थर्टी जून लास्ट डेट है जो पीछे ही अप्रैल में एक तीन चार दिन पहले शुरू हुआ है ये कैंप मतलब अप्रैल की कुछ तरीक से लेके जुलाई तक ये कैंप चलेगा इस कैंप में आ, जो राजस्थान के जितने भी लोग हैं उन सबको लोगों को नॉलेज दी जाएगी नॉलेज किस लिए दी जाएगी ताकि कैसे वो महंगाई से बच सकें महंगाई से कैसे बच सके उसके लिए कौन कौन सी वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा ले सकते हैं उसके बारे में ये कैंप लगाए गए हैं कि पब्लिक वेलफेयर के लिए इसमें जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है उन सब स्कीम के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी जो आपको हेल्प करेगी महंगाई को महंगाई से बचने के लिए तो ये सारा का सारा जो हमारे पास राजस्थान गवर्नमेंट है उसका एक पॉइंट है कि मैक्सिमम लोग जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें अवेल हों उसका बेनिफिट लें ओके कॉमन पीपल के लिए है सो नेक्स्ट इज इंडिया यूके टू ज्वाइंट टू ज्वाइंटली क्रिएट इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर सो देर इज इनोवेशन वर्चुअल सेंटर डेज हैज बीन क्रिएटेड बाय इंडिया एंड यूके नो बिल्कुल जी बिल्कुल चौबीस से थी ठीक है तो ये जो सेंटर इनके द्वारा किया गया इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन वन एंड दी ओनली रीजन इज टू टैकल नेट जीरो अमीशन तो उस पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया गया तो होल्डर ऑफ स्टेक होल्डर ऑफ यूके एंड इंडिया स्टेक होल्डर कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री तो उनके द्वारा अलग अलग सेक्टर हैं जो इंडिया के और यूके में उन पे वर्क किया जाएगा सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन like, हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया ठीक है या सर्विस सेक्टर हो गया इन सभी सेक्टर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्क किया जाएगा एंड इन दिस सेक्टर वन एट ओनली रिन्यूएबल एनर्जी विल बी यूज दैट विल बी ग्रीन हाइड्रोजन सो ग्रीन हाइड्रोजन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन में जितनी भी हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन यूज करें हमारे लिए उतना ही फायदा है तो इसमें मतलब जो भी बाकी की स्कीम्स होगी ठीक है जो लोगों के लिए उन सबके लिए मतलब ग्रीन हाइड्रोजन पर ही फोकस किया जाएगा ताकि हम टैकल कर सके कार्बन को कार्बन के अमीशन को कम कर सके और इन फ्यूचर फ्यूचर की भी बात करें फ्यूचर के लिए भी इन्होंने अपना प्लान सेटअप किया हुआ है जिसमें इन्होंने दो चीजों पर काम करना है तो वो दो चीजें कौन सी है यूके और इंडिया के साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो डीप सी वो है जो एक मिशन है जो इनका शुरू होगा उसके बाद स्पेस पार्क पार्टनरशिप इन दोनों में भी इनकी पार्टनरशिप रहेगी जो आने वाले टाइम में आपको और डिटेल में पता चलेगा क्योंकि अभी ये लॉन्च होने हैं ये दोनों चीजें जो अगेन किसके बीच में होगी इंडिया और यूके के बीच में होगी कुछ शोर्ट न्यूज जिनको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है तो इस न्यूज की बात करें यहां पर वैसे मैं स्टार बना रहा हूं लेकिन तो जिन्होंने बोला है के A, D, के सबसे बड़ा लोन मतलब रिलीज किया गया सबसे बड़ा लोन ए डी बी के द्वारा रिलीज किया गया वो भी कौन सी कंट्री को पाकिस्तान को पाकिस्तान को किया गया कितना लॉन्स किया गया फाइव पॉइंट फाइव बिलियन का कितना फाइव पॉइंट फाइव बिलियन का लोन दिया गया ए डी बी के द्वारा किसको पाकिस्तान को मतलब देख रहे हो इतना बड़ा लोन जो आज तक का ए डी बी का सबसे बड़ा लोन है जो एडीबी ने दिया है नेक्स्ट गोवा गवर्नमेंट के द्वारा एक फेस्टिवल था जो रिसेंटली कल ही खत्म हुआ है किसकी बात कर रहा हूं हेरिटेज फेस्टिवल ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थी जो कहां पर हुआ था सालीगांव गांव में हुआ था ठीक है कहां पर गुजरात के ओके मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटी सॉरी नॉर्थ यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया स्टेट की बात करें जो यूएस की स्टेट है उसके द्वारा दिवाली जो एक सबसे बड़ा फेस्टिवल है इंडिया का उस दिन होलीडे दी गई है स्टेट होलीडे कहां पर पेंसिल्वेनिया में कहां पर पेंसिल्वेनिया में स्टेट होलीडे दी गई है इससे पहले यूएसए यु, के न्यूयॉर्क में भी स्टेट होलीडे है कौन सी दिवाली को हरिहरी मिश्रा जी को अपॉइंट किया गया सीईओ की पोजीशन में किसमें एआरसी एआरसी एसोसिएशन ऑफ एसर्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में लास्ट इज शकीरा को ऑनर किया गया लेटिना वुमन ऑफ द ईयर अवॉर्ड ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आज के लिए इतना बहुत है तो इसकी पीडीएफ है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल मिल जाएगी अगर आपने टेलीग्राम चैनल सर्च करना है तो सक्सेस ऑनलाइन इज अवर नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल अगर आपको ऐसे ना मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको अवेल मिलेगा और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो हमारा जो क्रैश कोर्स है वो भी आपको जल्दी ही अवेल हो जाएगा ठीक है उससे भी आप तैयारी कर सकते हो ई की या ए की तो अपनी तैयारी मत छोड़ना तैयारी करते रहना ठीक है बनते रहना आपको पहले ही बताया था जो हमने एक न्यूज़ कवर की थी कि अगर डेडिकेशन से काम करते रहो डिसिप्लिन से काम करते रहो तो अचीवमेंट जरूर मिलेगी चले जी दैट्स ऑल फॉर टुडे टेक केयर बाय बाय एट जय हिंद